हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में भी हम 10 बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके रिलेटेड होंगे किससे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। और ये आपके लिए वीडियो नंबर होगी 11। इससे पहले मैं वीडियो नंबर 1 से 10 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उनके सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इजीली उन सारे वीडियोज़ को एक एक करके देख सकते हैं, या फिर आप इस इजीली आई बटन पर भी जाके उन सारी वीडियोज़ को एक एक करके वॉच कर सकते हैं। और साइकोलॉजी से रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस को अपलोड की हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं जाके मेरे प्लेलिस्ट या फिर मेरे चैनल पर। ओके, और ये सारे क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट होंगे विद रेस्पेक्ट टू वेरियस टीचिंग एग्जाम्स, जैसे कि सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, रीट, DSSB, KVS, MPTET एंड ऑल अदर स्टेट लेवल के टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक एक करके हम इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में या बोल सकते हो कि शिक्षा के क्षेत्र में सोशलाइजेशन मीन यानी कि समाजीकरण का क्या मतलब होता है। ऑप्शन है आपके, पहला अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट। तो आपका सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ करेक्ट होता है। एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में समाजीकरण का यही मतलब होता है कि किस तरीके से आप अपने समाज में अडेप्ट करते हो और एडजस्ट करते हो अकॉर्डिंग टू सोशल एनवायरनमेंट। सोशलाइजेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आप क्या करते हो, रह के अपने सोसाइटी में रह के अपने कल्चर को एक्वायर करते हो। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आप देख लो, ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स। थर्ड है क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म, की अपना एक अलग ही सोशल नॉर्म्स बना लेना, ओके कल्चर बना लेना, तो ये भी गलत है। या फिर रेस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, कि आप हमेशा सिर्फ बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हो, तो ये एक सोशलाइजेशन का मतलब है, इस तरीके से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट है कि किस तरीके से आप अडेप्ट होते हो, किस तरीके से आप एडजस्ट होते हो अपने एक सोशल एनवायरनमेंट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट या ए जो है आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए टीचर एट प्राइमरी लेवल, कि प्राइमरी लेवल में टीचर की कौन सी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए। आप इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी मानते हो टीचर की प्राइमरी लेवल के रेस्पेक्ट में। ऑप्शन है आपका, फर्स्ट कॉम्पिटेंस इन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। कॉम्पिटेंस का मतलब यहाँ पर है एबिलिटी या स्किल बोल सकते हो, कि उस टीचर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने का तरीका हो या अपने सब्जेक्ट में उसको अच्छी नॉलेज हो, तो ये एक क्वालिटी होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है टीचर की। या फिर सेकंड है कॉम्पिटेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज। यहाँ कहने का मतलब है कि भले जो सामने बच्चे बैठे हैं वो उस लैंग्वेज को समझ ना पाएँ, बट आप उसको क्या कर रहे हो कि बहुत अच्छी तरीके से उस लैंग्वेज का यूज करते हो जो आप जानते हो। ओके, थर्ड सी ऑप्शन है आपका, ईगरनेस टू टीच, यानी कि आप पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हो, क्यूरियस हो, तो वो एक क्वालिटी होती है, इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है टीचर की। या फिर लास्ट है पेशेंस एंड परसरवेंस। तो ये जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। ओके, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी हो किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए या किसी चीज़ के लिए भी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वुड बी द बेस्ट थीम टू स्टार्ट विद इन ए नर्सरी क्लास। देखो, नर्सरी क्लास में आपको क्या करना है, एक थीम स्टार्ट करनी है, तो पूछ रहा है कि कौन सी बेस्ट थीम होनी चाहिए नर्सरी क्लास में स्टार्ट करने के लिए। ऑप्शन है आपके, पहला ए है माय बेस्ट फ्रेंड थीम होनी चाहिए, या फिर बी ऑप्शन है माय नेबरहुड होना चाहिए, या फिर सी है माय फैमिली, एंड लास्ट है डी माय स्कूल। तो नर्सरी क्लास में जो आपकी बेस्ट थीम होनी चाहिए स्टार्ट करने की, वो होनी चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी माय फैमिली। बिकॉज फैमिली से ही आपकी क्या होती है, प्राइमरी लर्निंग स्टार्ट होती है, जो सबसे पहले बच्चा सीखता है वो अपने फैमिली से ही सीखता है। तो इस तरीके से बेस्ट थीम होनी चाहिए नर्सरी क्लास के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। जैसा कि हमें पता है कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और उसमें उन्होंने चार स्टेज बताए हैं, जैसे कि ऑप्शंस में दिया हुआ है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एंड लास्ट आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इन चारों स्टेज में से ऐसा पूछा है कि इन विच चाइल्ड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में आपका किस स्टेज में शो करता है। ओके,
तो ऑप्शंस मैंने बता दिया, तो इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का वो हो जाएगा आपका सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, बिकॉज आपका जो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस एक ऐसी चीज़ होती है जैसे कि एक ऑब्जेक्ट वो आपका इस वर्ल्ड में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है भले ही वो क्या है आपसे छुपा हुआ है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि बच्चे के सामने कई कबार अपनी अपना मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो वो मुंह जो छुपाते हैं वो हम उससे हिडन करते हैं, छुपाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुंह है ही नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट करता है। ओके, यही आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। फॉर एग्जांपल के लिए और मैं एक आपको एग्जांपल बता दूं कि जैसे कि मैं मान लेता हूं कि 7 वर्ल्ड्स ऑफ वंडर हैं इस दुनिया में, तो ताजमहल की बात करते हैं, तो अगर आपने ताजमहल नहीं देखा है तो आप सोचते हो कि वो इस दुनिया में या इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो आपका सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रोल ऑफ ए टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज दैट, कि एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए अधिगम की प्रक्रिया में। ऑप्शन है आपके फैसिलिटेटर, इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर या फिर कंट्रोलर। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर है, फैसिलिटेटर का रोल होना चाहिए अधिगम की प्रक्रिया में एक टीचर का, कि किस तरीके से टीचर क्या करे कि बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे, उनको गाइड कर सकती है किसी भी चीज़ के बारे में। ओके, मतलब कि एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना चाहिए एक टीचर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल। अच्छा, इन सारे ऑप्शंस में से कह रहा है कि फाइन मोटर स्किल कौन सा है, एग्जांपल पूछा है कौन सा एग्जांपल है फाइन मोटर स्किल का। पहला ऑप्शन है आपका क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ना, सेकेंड है आपका होपिंग यानी कि रस्सा कूदना, या फिर सी ऑप्शन है रनिंग दौड़ना, और डी है आपका राइटिंग यानी कि लिखना। तो फाइन मोटर स्किल का एग्जांपल पूछा है, तो ए बी सी एग्जांपल में आपको क्लाइंबिंग, होपिंग और रनिंग, इन सब में क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी का यूज होता है, यानी कि लार्ज मसल्स का भी यूज होता है, स्मॉल मसल्स का भी यूज होता है, तो ये सारे क्या है ग्रोस मोटर स्किल के एग्जांपल हैं। तो लास्ट आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, राइटिंग यानी कि लिखना, जिसमें कि आपके सिर्फ 2-3 क्या उंगलियों का यूज होता है, यानी कि स्मॉल मसल वर्क करती है इन सब चीज़ों के लिए। तो जो भी आपके फाइन मोटर स्किल्स होंगे उसमें छोटी छोटी मसल्स काम करती हैं, या कोई एक छोटी चीज़ होगी उसमें वो काम करेगी। ओके, रनिंग, होपिंग और क्लाइंबिंग में आपके क्या होती हैं, पूरे बॉडी एक साथ वर्क करती है, तो इस तरीके से ये ग्रोस मोटर स्किल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है ए टीचर नेवर गिव्स आंसर टू क्वेश्चन हरसेल्फ, कि एक टीचर को कभी भी पहले जवाब नहीं देना चाहिए किसी क्वेश्चन का। शी एनकरेज हर स्टूडेंट टू सजेस्ट आंसर, उसको एक एनकरेज करना चाहिए कि उसका जो आंसर है क्वेश्चन का वो स्टूडेंट दें आंसर। हैव ग्रुप डिस्कशन, वो ग्रुप डिस्कशन यूज कर सकते हैं, एंड अडोप्ट कोलेबरेटिव लर्निंग या फिर कोलेबरेटिव लर्निंग का यूज कर सकते हैं। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये जो अप्रोच है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन है आपके, फर्स्ट है आपका ए रेडीनेस टू लर्न, सेकंड बी है एक्टिव पार्टिसिपेशन, एंड थर्ड है सी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, एंड डी है सेटिंग ए गुड एग्जांपल एंड बीइंग ए रोल मॉडल। तो इस तरीके की जो प्रिंसिपल है वो इसको कहते हैं हम एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन में जो आपकी लर्निंग होती है वो भी एक्टिव लर्निंग होती है, तो इसमें ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं बच्चे या फिर कोलेबरेटिव लर्निंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से बी जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट्थ, क्वेश्चन नंबर एट्थ है ए चाइल्ड हैज़ मेंटल एज 12 ईयर, ओके, एंड सी ए यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज 10 ईयर, हिज आई क्यू पूछा है आपका कितना होना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आई क्यू इक्वल टू क्या होता है आपका मेंटल एज डिवाइडेड सी ए यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज इंटू मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। तो आप वैल्यू पुट कर लो, मेंटल एज कितनी है उसकी 12 है, और सी ए आपकी कितनी है 10 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपका 10 जब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 12 इंटू 10 जब करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो उसका आईक्यू हो जाएगा वो कितना होगा 120। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है इंक्लूसिव एजुकेशन सिग्निफाइज, यानी कि समावेशी शिक्षा क्या दिखाती है, क्या दर्शाती है। ऑप्शन है आपके ए सेम टीचिंग मेथडोलॉजी फॉर ऑल चिल्ड्रन, कि एक ही तरीके की टीचिंग होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए, ये दिखाती है इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर सेम स्कूल्स फॉर नॉर्मल स्टूडेंट, सेम स्कूल होना चाहिए नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी एंड डिफरेंटली एबल स्टूडेंट के लिए भी।
और सी ऑप्शन है आपका सेपरेट स्कूल फॉर नॉर्मल स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए अलग स्कूल होना चाहिए और डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट के लिए, यानी दोनों को अलग अलग पढ़ाना चाहिए। एंड डी लास्ट है आपका सेम फैसिलिटी फॉर नॉर्मल स्टूडेंट एंड डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट, कि दोनों के लिए बराबर की जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो प्रोवाइड होनी चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा में आपका क्या होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी, यानी कि दोनों का स्कूल एक जैसा ही होना चाहिए। ये हमें किस में दिखाया जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में सिखाया जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th है, अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज़ अमंग स्टूडेंट्स बाय, यानी कि एक टीचर किस तरीके से स्टूडेंट्स में सामाजिक मूल्यों को डेवलप कर सकता है। तो ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है डेवलपिंग ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन, बी ऑप्शन है आपका बिहेविंग आइडियली, सी ऑप्शन है आपका टेलिंग देम अबाउट ए ग्रेट पीपल, कि लोगों महान लोगों के बारे में आपको बताया टीचर, या फिर डी लास्ट ऑप्शन है टेलिंग देम गुड स्टोरी, यानी कि अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाए। ओके, देखो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको महान लोगों के बारे में बताया या फिर अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाए तो इस तरीके से ही आपके अंदर सोशल वैल्यूज़ डेवलप हो सकती हैं। आप अगर एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और अच्छा बिहेव करते हो तो कोई भी टीचर आपके अंदर सोशल वैल्यूज़ को डेवलप कर सकता है। ये नहीं कि आपके ही क्लास के टीचर होंगे या आपके क्लास टीचर होंगे या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर होंगे, कोई भी क्लास का टीचर आपको सोशल वैल्यूज़ डेवलप कर सकता है आपके अंदर, अगर आप बहुत अच्छा बिहेव करते हो लोगों के सामने तो। ओके, तो इस तरीके से 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में भी 10 बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपके वेरियस टीचिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।